रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के समीप हिताची कंपनी द्वारा लगाए गए आल बैंक एटीएम से आज रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 87,900 रुपए चोरी कर सबूत मिटाने की नीयत से एटीएम में आग लगा दी, जिससे कंपनी को नगद राशि एटीएम मशीन का लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आज सुबह ग्रामीणों द्वारा एटीएम जला देख संचालक हरीश और पुलिस को सूचना दी गई। इस संबंध में एटीएम संचालक हरीश पुत्र रोहितास जाटव ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें लिखा है कि धूपी जैन की दुकान किराए पर ले रखी है, उसमें हिताची कंपनी का एटीएम लगा रखा है। रात्रि में अज्ञात चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काट उसमें से 87,900 रुपए चोरी कर एटीएम में आग लगा दी, जिससे करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसके बाद हरीश पुत्र रोहितास जाटव द्वारा रामगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें रात्रि लगभग 12 बजे एटीएम का शटर अंदर से बंद करते बदमाश दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि चोर और लुटेरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। लगभग एक माह पूर्व भी रामगढ़ कस्बे में गोविंदगढ़ मार्ग पर रात्रि 8 बजे दुकानदार से कटे की नोक पर नकदी और 3 कैमरे लूट ले गए थे, जिसमें रामगढ़ थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की सहायता से लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। देखना यह है कि पुलिस एटीएम चोरों तक पहुंच पाती है या नहीं। मैंने यहाँ रामगढ़ में हिताची कंपनी का एटीएम लगा रखा है, जो कि कुछ महीनों से चालू था, और रात में उसको कुछ लोग काट के ले गए। मुझे सुबह कुछ पड़ोसियों ने, जो दुकान के पास में जो पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे बताया था। अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट देने आया हूँ। किस चीज से काटा उसको मशीन को? कुछ गैस कटर से काटा है जी। तो कितने पैसे थे मशीन? पैसे 87,900 रुपए बचे थे, जो उसमें टोटल मैंने डाले थे उसमें 1,06,000 रुपए, बाकी जो उसमें निकल गए थे 4,201 और 8,501 बचे थे उसमें 87,900, जिनको वो काट के लेके चले गए। रिपोर्ट दे रहे हो थाने पर? हाँ जी, रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन लिखवा ली, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ।